Yeah. So here's a brief introduction of our club. Beholding the vision to share on the pillars of commitment, interests, and proficient reach, we, the team of Talk Essentials, dedicate our resources and platforms, binding them together for pillars to stand. So good morning, ladies and gentlemen. Myself, Soumya Jain from Team Talk Essentials, and I'm currently pursuing Computer Science and Engineering from LNCT Bhopal. It's a great pleasure for me to introduce our guest speaker for today, who is going to talk to us about his Antarctica journey, a scientific explanation and adventure. It is rightly quoted by Charles Darwin that nothing can be more improving to a young naturalist than a journey in a distant country. Fellow members, please join me in giving our guest, Dr. Sunil Kumar Singh, OSD, LNCTE, the most cordial of welcomes. Welcome, sir. Hello, everyone. Okay, so let's start with the interview session now, sir. Yeah. So we all are fascinated by your recent trip. Seeing that enthusiasm on your face, I hope it was a worthy trip. So would you like to share some of your experience? Trip the to abhi ka nahi hai, recent to nahi hai. 2007 mein main gaya tha. December 2007 mein gaya tha. Mere jo ye expedition hai, ye Indian Antarctic expedition hota hai, jo 1982 se start hua tha, jisme main ek baar 1999 mein gaya tha, jo ki Millennium Expedition tha. और 2007 में सेकेंड टाइम गया था. और ये जो एक्सपेडिशन होता है, ये साइंटिफिक एक्सपेडिशन होता है. इसमें इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से प्रोजेक्ट कॉल किए जाते हैं. सबसे पहले वो डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट था स्टार्टिंग में, जब 99 में मैं गया था. उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसको हैंडल करता है. इसमें पूरे इंडिया से कुछ प्रोजेक्ट्स मंगाए जाते हैं जो अपने रिसर्च के लिए कॉल करते हैं. उसमें जो गवर्नमेंट उनकी जो साइंटिफिक कमेटी है, वो कमेटी उसको सेलेक्ट करती है और उसके बेसिस पे 26 से लेके 32 साइंटिस्ट तक पूरे इंडिया से सेलेक्ट करते हैं, जिसको वो भेजते हैं वहाँ पे एक्सपीडिशन के लिए. पूरा प्योरली साइंटिफिक एक्सपीडिशन. और उसमें लगभग समर एक्सपीडिशन था मेरा, जिसमें 89 डेज का हमारा पूरा ट्रिप रहता है, जिसमें वो जर्नी भी इन्वॉल्व रहती है जो शिप के थ्रू जाते हैं. कुछ लोग शिप से जाते हैं, कुछ लोग बाय प्लेन जाते हैं. तो 99 में मैं प्लेन से गया था और लौटा शिप से था. और वो शिप की जर्नी लगभग 22 डेज की होती है. और पूरी दैट्स अ लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम. पूरा जो है वो टोटल एडवेंचर है. और 2007 में जो मैं गया था, उसमें यहाँ से हम गए थे शिप से, क्योंकि 2007 में वहाँ पे थर्ड स्टेशन इंस्टॉल करना था इंडिया का, जो कि भारतीय आइलैंड है. तो वो भारतीय आइलैंड के चक्कर में हम लोग पूरा शिप जर्नी हमने किया. तो यहाँ से मैत्री स्टेशन गए. मैत्री में हमने लगभग 40 डेज बिताए और उसके बाद ऑलमोस्ट 30 डेज जो है वो भारतीय आइलैंड पे किया था. तो ये प्योरली इट मस्ट बी थ्रिलिंग सर. बिल्कुल सर, काफी अच्छा लगा होगा, काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. तो सर एक और बात कि ये जो ट्रिप का आपका, जो आप ट्रिप पे गए, इसका आपका पर्पस क्या था? मतलब व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड गोइंग टू दैट ट्रिप? पर्पस ये था कि मेरा अपना एक रिसर्च वर्क था जो मैंने आफ्टर पीजी स्टार्ट किया था, दैट इज कॉल्ड अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी फेनोमेना इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स. तो उस रिसर्च के लिए मैंने अंटार्कटिका एक हायर लैटिट्यूड जोन है, जैसे भोपाल जो है वो लोअर लैटिट्यूड जोन, लोअर लैटिट्यूड जोन है. और ऐसे ही मैंने साउथ अफ्रीका एक लिया था जो कि मिडिल लोअर के बाद मिडिल के बाद हायर. तो साउथ अफ्रीका भी मेरा रिसर्च का पार्ट था, जिसमें मुझे करीबन 6 बार जाने को मिला वहाँ पे. मतलब 99 से 2003 तक मैं लगभग 6 बार वहाँ गया हूँ साउथ अफ्रीका में. उसमें लगभग डरबन, केप टाउन, प्रिटोरिया, जॉन्सबर्ग, डिफरेंट सारे मेन. और इंडिया में भी जो है जम्मू कश्मीर से लेके श्रीनगर तक वो पूरे लैटिट्यूड्स कवर करने थे. तो रिसर्च फील्ड था मेरा, जो फील्ड है मेरा वो बेसिकली
ये था कि जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, जो अर्थ के थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तो एक तो पार्ट है जो हमको सुनाई दे देता है जो कि तेज आवाज में होता है, और उसका एक लाइटनिंग जब डिस्चार्ज होता है तो वो डिस्चार्ज पार्ट जो है वो अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में, अलग अलग लेयर्स होती हैं अर्थ की, जिसमें मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मैग्नेटोस्फेयर, ऐसे करके डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से वो रेडिएट होके जो है वो हमको विस्लर फॉर्म में रिकॉर्डिंग करते थे, हम विस्लर फॉर्म में रिकॉर्ड करते थे उसको. मेरे बच्चे तो वो हम अलग अलग उसमें क्या होता था कि ये सिग्नल होते हैं जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, ये अकेले ऐसे सिग्नल हैं जो अर्थ में, अर्थ मतलब आयनोस्फीयर मैग्नेटोस्फीयर में तो ठीक है, ये जो है आपके वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं. और जैसे आपने सुना होगा व्हेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, ये जो सरफेस अपने सी में रहते हैं और ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये बेसिकली रेडियो वेव, सोनार रेज और जो रेडियो वेव्स से ही कम्युनिकेट करते हैं, जो वाटर डेप्थ में रहते हुए भी 400 किलोमीटर तक विद इन अ सेकेंड, मतलब सेकेंड का मिनिमम साइज, उतनी फास्ट ट्रेवलिंग रहती है इसकी, रेट काफी हाई है, मतलब ट्रैवल रेट. ये इस सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अलग अलग लैटिट्यूड लिए थे, तो एंटार्क्टिका में रहे उसमें हायर लैटिट्यूड पाए जो कि, और चूंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, मतलब आर्कटिक से एंटार्क्टिका में ट्रेवल करती है, जो हम लोगों ने 11th-12th में अगर याद हो पढ़ा है, जिसमें अर्थ का एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेके और उसका सर्कल बनाते थे और उसका चेंज हो जाता था, तो ये वही वो फील्ड है जो मैंने अपने रिसर्च का पार्ट लिया था. और जो ये रिसर्च है उसमें दो तीन जो एप्लीकेशंस थे, एक तो ये था कि जो सबमरीन के नेविगेशंस होते हैं, तो सबमरीन के नेविगेशंस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या तो उनको सरफेस पे आना पड़ता है जो वाटर सरफेस है, या फिर वो अर्थ के मतलब सैटेलाइट से कांटेक्ट करने के लिए उनको वाटर डेप्थ में भी कम से कम 4-5 meters के डेप्थ तक ही वो कवर कर सकता है सैटेलाइट, तो उससे ज्यादा तो रेंज नहीं हो पाती, इजीली लोकेट कर सकते हैं उससे, वो सैटेलाइट से लोकेट या रडार से लोकेट हो जाते हैं तो उनको इजीली हिट कर सकते हैं. तो ये जो रिसर्च है इसका एप्लीकेशन ये था कि अभी इस पे काम बहुत चल रहा है, मेरा काम तो छूट गया, तो इसमें रिसर्च में ये था कि वो सक्सेसफुल हो जाए तो कम्युनिकेशन जो जैसे डॉल्फिन्स और व्हेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही ये सबमरीन भी वाटर डेप्थ में, मतलब 1 kilometer जिसे जो नीचे भी रहेंगे तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के. अभी वो जिससे कम्युनिकेशन थोड़ा मोबिलाइज हो जाए ना, मेनली इसीलिए हम ये कर रहे थे. दूसरा जो मेरा एप्लीकेशन था इसका, वो था अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन. अभी तक क्या होता था, अर्थक्वेक आ जाता था और हमें पता नहीं होता था कि अर्थक्वेक आने वाला है. तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जैसे हम संतरे को अगर हाथ में ले और अगर हम दबाए तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से उसके जूस निकलने लगता है, मतलब वो जैसी प्रेशर. तो अर्थ में भी जब, अर्थ में जब टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं और जो मैग्मा मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं जब अर्थ में फॉल्ट लाइंस जब चेंज करती हैं तो वो जो डिस्टरबेंस होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं अगर हम सही रिसर्च, जैसे मैं VLF पे कर रहा था उसका अगर सही टाइम पे एनालिसिस कर लें तो हम 2-3 minutes पहले ये जज कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है, और 2-3 minutes बहुत होता है किसी भी अर्थक्वेक करने में, जिससे कि हम अपने लिविंग चीजों को, जान माल को बचा सके. सो दैट्स अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट सर. इसमें जो है जापान बहुत आगे आ गया है, जापान अभी बहुत हद तक 1-2 minutes में पहले वो जो डिस्टरबेंस होते हैं उसको एनालिसिस करके और वो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकता है, मगर अभी बहुत ज्यादा सक्सेस उसमें है नहीं. जो थर्ड पार्ट है वो है कि जब अर्थक्वेक आता है, मतलब मेरी एप्लीकेशन का एक पार्ट था जो बायोलॉजिकल पार्ट था, जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में आपने नोटिस किया हो तो चींटियां जो है वो अपना घर छोड़ देती हैं
ये हाँ पहले उनको तो मतलब कंसर्न था पहले पता मछली, चल, हाँ यस मछलियां जो सर, है वो जंप करने लगती हैं पानी से, पानी हाँ से जंप करने सर, लगती हैं। और जितने डॉग्स, भी जैसे हाथी हैं, हाथी को भी पहले पता चल जाता है, बिकॉज वो भी जो हाथी भी 500-500 किलोमीटर जो है वो कम्युनिकेट केपेबल करने के लिए होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही इस्तेमाल करते हैं। चूहे बिजली बिल छोड़ देते हैं, चूहे का जो मूंछें होती हैं बेसिकली वो हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑब्जर्व कर लेती हैं, वो VLF को यस मतलब महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे करके वो अगर टाइम पे एनालिसिस हो जाए तो भी अर्थक्वेक का प्रोडिक्शन पहले से कर सकते हैं। तो ये तो मेरी बिल्कुल रिसर्च सर, थी। अब आ गए बात हाँ सर. एंटार्क्टिका की, तो एंटार्क्टिका बेसिकली मेरा ड्रीम था। मैं सिक्स क्लास में था जब हम सिक्स क्लास में पढ़ते थे कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, तो हाँ वो कहीं ना यस कहीं सर, दिमाग में वो क्रिएट तो था कि मतलब वो 6 महीने का दिन कैसा होता है और 6 महीने की रात कैसी होती है। 6 महीने की रात कैसी तो हुई. वो एक्साइटमेंट जो था वो कंटिन्यू मेरे दिमाग में चलता रहा था। और जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से किया जाए तो कायनात भी आपके साथ रहती है, बिल्कुल तो वो प्रेडिक्शन कहीं ना श्योरली. कहीं वो दिमाग था जो कोशिश किया करता रहा। पीजी के बाद मुझे चांस मिला तो मुझे एंटार्क्टिका ट्रिप करने का मौका मिला। और जर्नी की बात करें तो जर्नी तो बहुत एक्साइटिंग थी। शिप से गए थे हम यहाँ से, सबसे बिल्कुल पहले सर, हमें बहुत ही एडवेंचरस. सबसे पहले एंटार्क्टिका की जो स्टार्टिंग जर्नी होती है उसको बता दें, क्योंकि वो बहुत ही, अगर मून की जर्नी की बात अगर बोले तो सबसे टफेस्ट जर्नी एंटार्क्टिका जर्नी कहलाती है। और उसके लिए एक्लिमेटाइजेशन और प्री टेस्ट होते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट होते हैं, और आपको रॉक क्लाइंबिंग और आपको जो है हायर लेटीट्यूड पे ले जाके जो आइस आइस का जो एटमॉस्फेयर होता है, तो मतलब हाँ आपको हाँ कोल्ड कितना हो सकता है उसके लिए पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि मतलब वो टेस्ट ITTC करते हैं कि आपकी हाई। बॉडी कितना सहन कर पाती है हाँ, वगैरह, है ना. तो उसके लिए जो है पहले एम्स में उसका टेस्ट होता है, फिर उसके बाद ITBP जो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, वो हाँ. श्रीनगर में नियर टू चाइना बॉर्डर जो भी मतलब आज के डेट में हॉटलाइन है, वहां पे हम लोग बिल्कुल श्रीनगर एक सर. जगह है, कश्मीर वाला हाँ श्रीनगर नहीं, ये उत्तराखंड का श्रीनगर है, वहां हाँ पे हम लोगों की ट्रेनिंग होती है लगभग 15 डेज की। उस ट्रेनिंग में हमें वो ओके. सारी चीज सिखाई जाती है कि आपको एंटार्क्टिका में सर्वाइवल कैसे करना है, क्योंकि बिल्कुल. एंटार्क्टिका में मतलब एंटार्क्टिका अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी आप देख रहे होंगे मौसम बहुत अच्छा है और 1 घंटे में आपको वहां पे ब्लिजर्ड शुरू हो जाएगा, और ब्लिजर्ड लगभग 200-250 किलोमीटर की स्पीड की हवा होती है जो बहुत सारे आइस को लेके हवा में लेके जाती है और एकदम एकदम. वाइट आउट हो जाता है। अगर आप उसमें फंस गए तो मौत तो निश्चित है, मतलब उसमें बचना ही ओह मुश्किल है। नो. और वो एक ब्लिजर्ड जो चलता है वो 6-6 7-7 दिन चलता है, ओह तो मुझे भी वो मौका मिला था। हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन. 6 दिन के पार्ट में फंस गए थे एक जगह। हम लोग एक अरे कैंप अरे. में थे और हम लोगों के पास चॉकलेट्स थी, बड़ी बड़ी चॉकलेट्स हमको कैडबरीज की दी जाती है, तो वो हम लोगों का हाँ इमरजेंसी राशन होता है। तो 6 दिन हम उन चॉकलेट्स में ओके रहे और वो चॉकलेट खा खा के हमने 6 दिन ओके. काटे। और ब्लिजर्ड चलने के बाद जब मौसम चेंज होगा तो हाँ. आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं था, एकदम प्लेन ओ, इतना हो गया। सडन होता है. हाँ, और अब नेक्स्ट बताएं जो एक्साइटिंग है, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। तो बेसिकली हाँ छह सर, महीने वो के दिन तो 6 महीने की मतलब. रात नहीं होती है। क्या हाँ होता है, अर्थ का जो रोटेशन है, और हम लोग चूंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़े टिल्ट है, अगर आपने नोटिस किया हो टिल्ट, तो टिल्टेड है. टिल्ट हाँ होने के कारण से वो 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला वहां पे मौसम रहता है। उसमें भी 3 महीने ऐसे होते हैं जो कंप्लीट डे टाइम होते हैं और 3 मंथ जो होते हैं वो कंप्लीट नाइट टाइम होते हैं। तो हम लोग जो समर ओके. पार्ट में गए थे वो उसका कुछ पार्ट जो था वो हमारा, जब हम लोगों ने हम लोग वहां पहुंचे थे तो ये मान के चलिए कि 1 घंटे की इवनिंग होती थी, जस्ट वो सन नीचे ओके. जाता था, सन नीचे हाँ जाता था और हाँ ऊपर आ जाता था। तो ऐसे करके ओ वो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात कहा जाता है। तो हम लोगों ने जब यस वहां सर. पहुंचे थे, हम लोग दिसंबर में पहुंचे थे लगभग 26 तारीख को, 26 दिसंबर को पहुंचे थे, और हम वहां पे 28 मार्च तक वहां पे थे। ओके सर. तो सर आपको दोनों एक्सपीरियंस करने मिला, दिन वाला पार्ट भी और. सिर्फ दिन वाला, रात वाला अच्छा. जो है वहां पे दो टीमें जाती हैं, जो मैंने बताया 56 लोग जाते हैं लगभग पूरे इंडिया से, जिसमें लगभग 30 लोग या कभी कभी 27-28 लोग इंडियन आर्मी के होते हैं। इंडियन आर्मी के इसलिए होते हैं क्योंकि स्टेशन वहां पे मेंटेन करना है,
बट वो इंडियन आर्मी के होते हैं मगर वो मेंटेन करने के लिए जाते हैं. और इंडियन आर्मी जो कि आप भी जानते हैं, वो चाहे सियाचिन हो चाहे वो रेगिस्तान हो, वो सारे क्लाइमेट में रह सकते हैं, सारे क्लाइमेट ओवरकम कर सकते हैं. बिल्कुल रखा जाता है. और करीबन 12 से 13 साइंटिस्ट वहां पे विंटर करने जाते हैं, मतलब वो वहां पे 16 महीने रहते हैं. ओके. और जो हमारी टीम जाती है वो दिसंबर में जाती है, और जो लौट के आती है टीम, जो हमारे साथ विंटर वाले जाते हैं वो उनके लौटने वाले के साथ जाते हैं, मतलब वापस आते. अच्छा अच्छा. तो 12 महीने तो वो साल भर हो गए, और 4 महीने साथ, 4 महीने और वो 16 मंथ वहां रहते हैं. उसको हम लोग विंटर ओवर टीम कहलाती है, और हम लोग समर टीम मेंबर थे. ओके सर, इट मस्ट बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू, एंड लाइक एक्सपीरियंस सुन के इतना अच्छा लग रहा है. तो आपने जब एक्सपीरियंस मून की जर्नी के बाद वो एंटार्क्टिका जर्नी जो है वो कहलाती है. और सबसे ज्यादा जर्नी की टफेस्ट पार्ट की बात करें तो मैंने भी मॉनसून को बहुत करीब से देखा है. और दो बार ऐसा हुआ था. एक बार हम लोग जब जर्नी में जा रहे थे तो लगभग 55 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है वहां से 50 से लेके और 60 डिग्री के बीच में हम लोग हॉट सी और कोल्ड सी का एक मर्ज होता है. तो वहां पे सी का वेव्स होता है ना, वो बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है. उसी बीच में एक लो प्रेशर जोन डेवलप हुआ था, और हमारा वेदर रिपोर्ट जो है शिप का वो बहुत लेट आ रहा था. तो हम लोग लो प्रेशर जोन में बाहर की तरफ जाने की जगह हम उसके लो प्रेशर जोन में अंदर पहुंचे, अंदर की तरफ. और शिप का जो रोलिंग पिचिंग बोलते हैं जिसे, तो रोलिंग पिचिंग में 45 डिग्री अगर शिप टिल्ट हो गया तो शिप पलट जाता है. और हम लोग 39-40 डिग्री तक यूं हो रहे थे, ये हाल थे. ओके. और पूरा शिप का जो हम लोगों ने अपने आप को बैग से बांध रखा था, हमारे जो शिप के कैप्टन थे उन्होंने लास्ट कॉल फैब्रिक को करने को बोल दिया था. तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने लास्ट कॉल कर लिया था कि हो सकता है हम कल हमारा पता नहीं क्या होगा, और बस गॉड नोस. और हमने फैमिली को फोन करके अपने बिस्तर threatening. था अपने आप से. वो शिप में बिस्तर ऐसे होते हैं, पलंग ऐसे होते हैं, वो डबल लेयर्ड होते हैं, उसमें हमने एक दूसरे को बांध लिया था. और शिप ऐसे टकरा रहा था कि अगर 50 किलोमीटर की स्पीड में कोई गाड़ी दो टकरा जाए तो शिप जो है वो वेव्स से इस तरीके से टकरा रहा था. हम लोगों को एन वक्त पे जब कैप्टन बहुत एक्सपीरियंस थे तो उन्होंने अंटार्कटिका की तरफ ना मोड़ के हमारा शिप पेरू, अगर आप जानते हैं जगह, तो पेरू की तरफ टर्न कर दिया था कि हम भले लो प्रेशर में कहीं भी रहें, हम नियरेस्ट कोई प्लेस पे रहें जहाँ से हमको रेस्क्यू किया जा सके. तो वो मेरा एक थ्रिलिंग पार्ट था जो बहुत मॉर्निंग बहुत थ्रेटनिंग रहा सर, काफी काफी थ्रेटनिंग. और मॉर्निंग में जब हम उठे हैं तो मतलब वो खुशी, हमें पता है कि वो ये सर ऑब्वियसली सर हम बच गए. और हमारा जितना भी राशन था जो उसमें शिप में अंदर रहता है पूरा हो गया था, पूरा बिल्कुल सर, क्योंकि वो पूरा जब कोलिजन ऐसा हुआ. बिल्कुल शिप में जो आप लोगों ने मूवी में देखा होगा जो होता है वो शिप में हमने सब देखा था. सीलिंग टूट गई थी पूरी शिप की, बहुत पूरा पूरा ब्रेक हो गए थे. ये स्थिति होती है कई बार, ये लाइव एक्सपीरियंस मेरा रहा है सर. मतलब काफी ज्यादा थ्रिलिंग भी, थ्रेटनिंग भी, और एडवेंचर तो था ही. यस. और एंटार्क्टिका में जो बेसिकली इंडिया इंडियन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, एंटार्क्टिका एक नो मैन्स लैंड एरिया है, उस पे कोई भी कंट्री जो है क्लेम नहीं कर सकती. तो क्या हुआ, जब मेरे ख्याल में 1820 के आसपास ब्रिटिशर्स लोगों ने एंटार्क्टिका को खोजा, मतलब पहुंचने में कामयाब हो गए थे, नॉर्वेजियन उसमें सबसे ऊपर थे, तो उन्होंने अपना वहां पे एक स्टेशन बना दिया. तो यूएस को भी पता चला, अलग अलग कंट्री को पता चला, तो सब लोगों ने, क्योंकि वहां पे मिनरल्स बहुत हैं, लाइक ब्लैक माइका बहुत है, ग्रेनाइट बहुत है, गार्नेट बहुत है, फिर आपको ऑयल का एक बहुत बड़ा भंडार वहां पे सुनने में आया है. तो ऐसे करके सभी कंट्री ने अपने अपने क्लेम किए कि कल को अगर इसका डिवाइड होता है तो हम भी उसके शेयर होल्डर हैं. शेयर होल्डर, हाँ, स्टेक होल्डर, एक मतलब ऐसा होना चाहिए. स्टेक होल्डर होने के कारण से सबने अपने अपने कब्जे वहां पे कर लिए. इनफैक्ट अमेरिका ने तो एक्चुअल जो साउथ पोल एरिया है वो साउथ पोल एरिया पे उन्होंने एक डोम बना दिया है, और उन्होंने बोला है सेंटर पार्ट तो मेरा है. सेंटर पार्ट मतलब पूरा एंटार्क्टिका मेरा है. तो क्योंकि उन्हें एकदम वहां पे टोटल 14 कंट्रीज के स्टेशन है,
कई ऐसी कंट्रीज है जो आज तक नहीं पहुंच पाई, और पाकिस्तान तो पहुंच ही नहीं पाया। एक बार उन्होंने बीच में भेजा था तो वो रास्ते से ही वापस आ गए क्योंकि उनके बस की है नहीं। तो ऐसे वहाँ पे 14 कंट्रीज के लोग हैं जो अंटार्कटिका में अभी एट प्रेजेंट अलग अलग स्टेशन हैं। मुझे भी वहां पे रहते हुए रशियन स्टेशन जाने का मौका मिला, दो रशियन स्टेशन है वहां पे जाने का, नोवो स्टेशन है वहां पे मैत्री के पास सबसे पास में, और जो भारतीय आइलैंड है वहां पे चाइनीज स्टेशन है जोंगशोंग करके, जोंगशोंग, और एक प्रोग्रेस स्टेशन है जो थोड़े पास में ही है भारतीय आइलैंड के। तो ऐसे मुझे दो कंट्री के स्टेशन में जाने को मौका मिला। okay. और वहां पे कोई भी किसी के भी स्टेशन पे जा सकता है, वहां पे पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होती कभी भी कोई भी स्टेशन, और हर स्टेशन वाले को नेक्स्ट स्टेशन के लिए मदद करने के लिए ये कंपलसरी वो है। वहाँ का जो सबसे वहाँ पे क्लीन रखना होता है हमको हर चीज, तो हमारा एक एंटार्कटिक ट्रीटी है, एंटार्कटिक ट्रीटी में इंडिया स्टेशन जो है उन्होंने साइन किया हुआ है। वहाँ पे हम जो अगर हम बोले हैं जो हम मॉर्निंग में जो लैट्रिन जाते हैं वो लैट्रिन तक हम वहाँ नहीं छोड़ सकते, उसको हमको आइस में मतलब वहाँ के मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें हमें जाना होता है और उसको फिर बंद, वो हम लोगों की गैली ड्यूटी लगती थी, दैट इज कॉल्ड एंटार्कटिक लॉजिस्टिक यूनिट कहलाती थी, आलू टीम। तो उसमें जितने भी लोग होते थे उनको रोटेशन के बेसिस पे ड्यूटी लगती थी, और उसमें वो पार्ट भी एक था कि जितने लोग हैं जो बाथरूम में गए उनको बर्न करना होता था, बर्न करके उसकी जो ऐश होती थी उसको इकट्ठा करके और एक कंटेनर किया गया था, उस कंटेनर में उसको रखना होता था, जो कि जब स्टेशन से शिप वापस आता था वो कंटेनर उसमें लोड कर दिया जाता था और उसको वापस लाना होता था। तो वहां पे ये स्थिति है, मतलब आप कोई भी मतलब पॉल्यूशन के एंटी मतलब वहाँ पॉल्यूशन को लेके गवर्नमेंट कंट्रीज जितनी भी ट्रीटी है उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली उसको मेंटेन किया हुआ है कि वहां पे आपको पॉल्यूशन नहीं करने की, मतलब आप कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते जो उस जगह को पॉल्यूटेड करे, सब कुछ प्रोहिबिटेड है। और वेस्ट मैनेजमेंट मेनली काफी अच्छा करके रखा है उन्होंने कि एकदम क्लीन एंड सेफ रहे वो सारी तरीके से। एंटार्कटिक ट्रीटी का बंदा कभी भी उस कंट्री के स्टेशन को विजिट करता था और अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ मिला तो ये स्थिति थी कि उनको स्टेशन वहां से खाली करना पड़ सकता है, तो इतना स्ट्रिक्ट उसको मेंटेन किया जाता है। साथ में वहां पे डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, किलर वेल्स हैं जो कि ब्रीडिंग के लिए वहां जाती है समर में, और वहां पे अगर बर्ड्स की बात करें तो स्कुआ बर्ड्स हैं जो कि ईगल जैसे दिखते हैं, पेंगुइन्स एन नंबर ऑफ पेंगुइन्स हैं जिसमें एम्परर और एडली पेंगुइन्स मेजर हैं। फिर सील वहां पे नहीं मिलते हैं, लोगों को कंफ्यूजन है, सील जो मिलते हैं अपने आर्कटिक जोन में मिलते हैं, यहाँ सील नहीं मिलते हैं। और डॉल्फिनों का राज है, स्टेशन पे भी कई बार डॉल्फिन्स वहां पे आ जाती थी जो हम लोगों को देखने आती थी कि क्या चल रहा है। ओके तो सर एक अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि सबकी एक ट्रैवलिंग बकेट लिस्ट होती है, एवरीवन हैज अ ट्रैवलिंग बकेट लिस्ट, व्हिच प्लेस इज ऑन टॉप ऑफ योर बकेट लिस्ट, लाइक व्हिच इज दैट प्लेस यू वांट टू विजिट? अगर मैं अपने रोमांच की बात करूं तो मैंने वो चीज ऑलरेडी कर ली है क्योंकि बिल्कुल क्योंकि आपका ड्रीम था पहले से, अंटार्कटिका से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। अगर घूमने की बात करें तो मैंने अपने इतनी लाइफ में ही पूरा इंडिया लगभग घूम लिया है बिल्कुल, क्योंकि सर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू श्रीनगर आपने पूरा ट्रैवल कर चुका है सारे बिल्कुल। तो फैमिली के साथ अगर जाने की बात करें तो हमारी फैमिली जो है नेचुरल ब्यूटी पसंद करती है, तो साउथ पार्ट बहुत अच्छा है, और नेचुरल ब्यूटी में भी अगर बात करें तो गोल्डन पार्ट में तो आइस वाला पार्ट जो भी है वो मेरे बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। बिल्कुल सर, और सर दूसरी कंट्री हो वो मेरे लिए नेचुरल ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, और सर आपकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री में जो आपकी फेवरेट प्लेस अभी तक रही है वो क्या रही है? वैसे तो मतलब शायद मुझे आंसर पता है बट फिर भी अगर उस चीज को छोड़ दें तो मुझे साउथ अफ्रीका में मैं जब डरबन गया था तो वहां पे मुझे गांधी जी का जो स्टार्टिंग वाला अगर हम सुनते हैं याद होगा जब गांधी जी को एक स्टेशन पे रात में उतार दिया गया था, दैट इज कॉल्ड पीटर्स मैरीबर्ग कहलाता है वो जगह जहाँ पे गांधी जी रहते थे,
तो वो मैंने जो जगह देखी मुझे वो बड़ी मतलब एक इंटरनल फीलिंग जो बोलते हैं वो ये बताता है कि एक किसी व्यक्ति का जमीर जो कि वहां पे डिस्टर्ब किया उन लोगों ने और वो गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए कितना बड़ा एक मुहिम बनाया पूरे वर्ल्ड में, तो ये बड़ी बात है, तो वो मुझे अच्छी लगी, एक इंस्पिरेशन है बेसिकली। बिल्कुल सर। और सर हर एक ट्रिप मतलब हर ट्रिप में एवरी ट्रिप गेट्स द बेस्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, व्हाट वर दोस पार्ट्स ऑफ द ट्रिप? मतलब चैलेंजिंग तो ऑब्वियसली दैट इतना ज़्यादा हमने सुना कि मतलब आपकी शिप ने हिट किया उसको, बट सर एकदम जो सबसे बेस्ट पार्ट जिसको आप सबसे कह सकते बेस्ट हैं पार्ट कि क्या मतलब था? जैसे शिप तो जाता ही है, उसमें जाता है, सी में जाता है, आपने एंटार्क्टिका में आइस के ऊपर प्लेन उतरता देखना और उस प्लेन में बैठ के लैंड करना और उसके बाद टेक ऑफ करना, ये इससे बड़ा एक्साइटमेंट कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल मतलब सर, क्योंकि पहले ये तो लगता है आइस कि पे आदमी मर वैसे भी ही सकता कि है, जी भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो बिल्कुल क्योंकि सर। बहुत स्लिपरी एरिया होता है हाँ, क्योंकि वहां पूरा पे। आइस ही आइस है। वहां पे एंटार्कटिक लॉजिस्टिक एक अमेरिकन प्लेन है जो वहां पे जाता है और सिर्फ वो साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए जाता है, उसकी एक टिकट की कॉस्ट लगभग 30 लाख के करीब होती है एक आदमी, तो गवर्नमेंट एक है पेड पर देती है हेड 30 लाख। तो उसमें वो वहां ओके। से लेते हैं और साउथ अफ्रीका में केप टाउन या डरबन में ड्रॉप करते हैं, सिर्फ इतना पार्ट ओके। रहता है, और वो हॉरेबल भी होता है और डेंजरस भी होता है जर्नी, क्योंकि उसमें वेदर की कंडीशन कभी भी कुछ भी होती है बिल्कुल, बहुत ही एडवर्स और होते हैं सर। 22,000 किलोमीटर का ट्रेवल करके उसको आना होता है, तो वो पार्ट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था और थ्रिलिंग भी था। सर अब एक लास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है कि हैव यू ब्रॉट बैक द फॉरेन करेंसी? इफ यस, हाउ मच अप्रोक्सीमेटली इट इज इन INR? जब मैं 99 में पहली बार गया था तो वो मेरे लिए पहला मतलब वो बहुत सारे एक्सपीरियंस पहले थे, पहली बार मैंने प्लेन में सफर किया 99 में, फर्स्ट टाइम लाइफ में प्लेन में गया, पहली बार मैंने डॉलर्स देखे, पहली बार मैंने बिल्कुल। डॉलर्स देखे, पहली बार मैंने इंटरनेशनल ट्रिप किया, पहली बार मैंने गोवा देखा, मतलब वो हर चीज मेरी बहुत सारी, पहली बार मैंने शिप देखा और बिल्कुल, पहली बार फर्स्ट टाइम्स थे मैंने, सारी चीजों के ऑलमोस्ट। हाँ पहली बार मैंने एंटार्क्टिका देखा, मतलब जितनी वो चीज थी चाहे वो ट्रेन हो, प्लेन हो, शिप हो, हेलीकॉप्टर हो और इंटरनेशनल विजिट हो, मतलब वो सब चीज अल्टीमेट थी। तो उस समय जो मुझे डॉलर्स मिले थे, पहली बार मैंने $1,500 कैश किए थे और वो लेके गया था। फिर हम लोग जब साउथ अफ्रीका में गए तो वहां पे रैंड करके करेंसी है, रैंड कर करेंसी। तो उस समय वहां पे इंडियन रुपीज में 6 to 7 रुपीज वैल्यू थी, तो ओके। मेरे पास दो कंट्री के अभी भी रखे हैं मैंने, तो रैंड करेंसी रखा है मैंने ऑब्वियसली और सर। डॉलर रखा है, नो डाउट आज की डेट में कीमत ज्यादा है मगर बिल्कुल सर, अब वो तो मेमोरी है तो हम रखेंगे, वो तो है ही। बाकी बहुत सारी कंट्रीज के मेरे फ्रेंड्स जाते हैं तो मेरे पास करेंसी उसकी है, और अगर मैं आज कलेक्शन की डेट में अच्छा है डॉलर मतलब। और रैंड को कन्वर्ट करूँ तो कम से कम 10,000 से 15,000 रुपए मेरे को मिल सकते हैं, इतने तो रखे हैं जस्ट फॉर बिल्कुल रिमेम्बरेंस। सर। हाँ सर, एक होना चाहिए, बिल्कुल सर। तो सर नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन, आई विल जस्ट क्लोज इट अप विद अ वोट ऑफ थैंक्स। सो हियर आई स्टार्ट। द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, बट दे मस्ट बी फेल्ट बाय हार्ट। थैंक यू इज वन सच प्रेयर अमंग देम। आई कंसिडर इट अ ग्रेट प्रिविलेज टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु हैव विटनेस्ड इट एज अ मेमोरेबल एंड सक्सेसफुल इवेंट। Today, my words are not enough to express the gratitude. On behalf of Talk Essentials team, I would like to thank our guest speaker, Dr. Sunil Kumar Singh, sir, who graced us with his thought-provoking address and set a perfect platform for our club. We all are inspired by your words, sir. And I am very grateful to Dr. Amit Srivastav, sir, for giving us this opportunity to organize this wonderful, informative, and to listen to your thrilling experience. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. All the best. Thank you, sir. Thank you to all our viewers for attending the session today.
थैंक यू।